आपके हाथ में फोन है या सामने लैपटॉप है, लेकिन किसी भी वेबसाइट को शुरू करने के लिए आपको www से स्टार्ट करना पड़ता है। क्या है www और क्यों है इतना जरूरी? www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। कई लोगों को लगता है कि www का मतलब इंटरनेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी दुनिया में कंप्यूटर थे और इंटरनेट भी। www को पहली बार सर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में बनाया था। सर टिम स्विट्जरलैंड की एक फिजिक्स लैब में कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। वो चाहते थे कि साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आसानी से आपस में साझा कर सकें। उन्होंने 3 टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का प्रपोजल दिया, HTML, HTTP और URL। इन तीनों का इस्तेमाल आज भी होता है। वर्ल्ड वाइड वेब 1990 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसकी कहानी एक साल पहले शुरू होती है। 1989 में टिम ने अपने बॉस को एक डॉक्यूमेंट दिया, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अ प्रपोजल। टिम के बॉस ने उस पर लिखा कि वेग है लेकिन एक्साइटिंग भी है। टिम ने इस पर काम करना नहीं छोड़ा और अपने बॉस को 2 कंप्यूटर खरीदने के लिए मना लिया। सितंबर 1990 में कंप्यूटर आए और उसी साल क्रिसमस तक इस वेग आइडिया ने पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दिया। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में अंतर है। इंटरनेट है दुनिया भर के कंप्यूटरों का नेटवर्क जो आपस में कनेक्टेड हैं। इन कंप्यूटरों के नेटवर्क पर जो वेब पेज हैं वो हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो आप अपने फ़ोन से इंटरनेट के ज़रिए ये सारे पेज एक्सेस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो वेब पेज है वो हाईवे है और उस पर चलने वाला सारा ट्रैफिक डेटा है जो अलग अलग जगह से आ रहा है। अगर हाईवे ना होता तो दुनिया भर के लोग आपस में कैसे कनेक्ट करते और इतनी सारी जानकारी कैसे साझा होती? इंटरनेट तो पहले भी था, लेकिन www से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इन सभी पेजों को एक ही जगह पर साथ कैसे लाया जा सकता है। इसके बाद पहली वेबसाइट आई 6 अगस्त 1991 को स्विट्जरलैंड के एक संस्थान, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे हम सर्न भी कहते हैं, इसी जगह पर सर टिम काम करते थे। इस संस्थान ने 30 अप्रैल 1993 में सभी के लिए इंटरनेट का रास्ता खोल दिया, जिसके बाद कंपनियां और लोग अपना वेब पेज बनाने लगे। ये एक महत्वपूर्ण दिन था। पहले की वेबसाइट्स में कोई वीडियो या सोशल मीडिया फीड नहीं थी। वेबसाइट बनाने के लिए आपको HTML कोड तक आना ज़रूरी था। लेकिन इन पिछले 30 सालों में कितना कुछ बदल गया है कि अब हर कोई वेबसाइट या पेज बना सकता है। तो सोचिए अगले 30 साल में क्या क्या हो सकता है।